साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एलोवेरा पर हम एक डिटेल वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे, तो आज हम एलोवेरा पर बात करते हैं कि एलोवेरा कंज्यूम करने से क्या क्या हमको लाभ है और क्या उसके वैज्ञानिक पहलू और कितना हमको कंज्यूम करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है और सब लोग चिंतित हैं कि किस प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टिंग की जाए। तो एलोवेरा सबसे पहला जो है आपका महत्वपूर्ण काम करेगा, वो करेगा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, और यदि किसी को कैंसर ट्यूमर है तो वो भी रिड्यूस करेगा। इसके जो दो महत्वपूर्ण केमिकल कंपोनेंट हैं वो हैं पॉलीसेक्राइड्स और एसमिनन। एसमिनन और पॉलीसेक्राइड दोनों ही इम्यूनिटी बूस्टिंग करते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स क्या करता है, पॉलीसेक्राइड्स हमारी बॉडी में हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन का सिस्टम है उसको इन्हेंस कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इन्हेंस करने से हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का ट्यूमर कहीं पर भी डेवलप हो रहा है तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ ए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन टू रिड्यूस ट्यूमर। तो ये आपको मतलब जो है बहुत ही उपयोगी है। तो पहला जो महत्वपूर्ण एलोवेरा का उपयोग है वो है इम्यूनिटी बूस्टिंग करने में, और साथ ही साथ कैंसरस ट्यूमर अगर आपकी बॉडी में किसी की बॉडी में है तो वो उसको रिड्यूस करता है। यदि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है तो एलोवेरा कंज्यूम करने से आपका इन्फ्लेमेशन रिमूव होगा। ये थोड़ा सा समय लेता है, 1 माह से 3 माह तक। तो आप एलोवेरा कंज्यूम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपको मदद मिलेगी। आम प्रचलित है ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में एलोवेरा जेल का बहुत ही उपयोग होता है। तो एलोवेरा जेल को हम डायरेक्ट भी हमारे ब्यूटिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं और वो स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है। उसका दोनों तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। पहला उपयोग हमारा रहेगा कि हम उसको अप्लाई करें, फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी पर बॉडी पार्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा उपयोग उसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने से हमारे फेस का ग्लो, बॉडी के स्किन का ग्लो बढ़ जाता है, और अप्लाई करने से हमारे स्किन के जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो दूर होते हैं और डस्ट एंड डर्ट और उसकी जो है क्लीनिंग हो जाती है, और इस प्रकार से हमारे बॉडी की स्किन ग्लो करती है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आज आम लोग जो हैं जूझ रहे हैं जिस बात से, वो है डायबिटीज़। एलोवेरा डायबिटीज़ में 3 प्रकार से काम करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में पनपने वाली न्यूरोपैथी को कम कर दे। एलोवेरा के 3 माह के कंज्यूमशन में न्यूरोपैथी का मतलब मैं यहाँ आपको बता दूं कि डायबिटिक पेशेंट्स के हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती है, और जब वो चलते हैं तो यदि वो कहीं इधर उधर गए और उन्होंने जूते वगैरह कुछ नहीं पहन रखे और पैर में चोट लग गई तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ चोट लग गई, और इस प्रकार से ब्लड रिसता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो नमनेस आ जाती है उंगलियों में, पैरों में और हाथों में, उसको दूर करने के लिए एलोवेरा का कंज्यूमशन एक महा औषधि के समान काम करता है। दूसरी, इम्प्रूव करता है हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उससे, और हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंट की कंडीशन है कि हमारा जो इंसुलिन है वो उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो उसका उपयोग को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है वो अगला जो विषय है उसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और काम करता है एलोवेरा डायबिटिक पेशेंट के लिए कि जो फास्टिंग शुगर है वो नॉर्मल कर देता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मतलब जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए एलोवेरा करता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट इसको अनिवार्य रूप से कंज्यूम करें। अगला जो फायदा है एलोवेरा कंज्यूम करने से वो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करना। दोनों बड़े हार्मफुल कंपोनेंट हैं हमारे बॉडी के। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो वो लोग स्टेटिन ड्रग का यूज़ करते हैं, और स्टेटिन ड्रग क्या करता है, स्टेटिन ड्रग हमारे बॉडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कोक्यू-10, वो कोक्यू-10 को कम कर देता है, डिप्लीट कर देता है। और कोक्यू-10 को डिप्लीट होने से हमारे जो मेटाबॉलिक स्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ा जाती है, भोजन की पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। और जो कोक्यू-10 है वो हमारे हार्ट के लिए स्पार्क प्लग की तरह काम करता है, हमारे सेल्स के माइक्रोकांड्रिया को एक्टिवेट करता है और हमारे ग्लूकोज को कंज्यूम करके और हमारे बॉडी को एनर्जी देने में बहुत ही सहयोग करता है। इसलिए कोक्यू-10 डिप्लीशन नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो एलोवेरा है, एलोवेरा जो है वो क्या करेगा, एलोवेरा स्टेटिन ड्रग का स्थान ले सकता है, और आप स्टेटिन ड्रग को लेना छोड़ दें ताकि आप एलोवेरा से अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकें। और जहाँ कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होने से बॉडी की
इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जो बॉडी की डायबिटिक पेशेंट्स की जो कंडीशन होती है इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है। इसलिए एलोवेरा कंज्यूम करना बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रायः प्रायः हम देखते हैं कि हम अपने शरीर को एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करना बहुत आवश्यक होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव को बढ़ाने का काम भी हमारा एलोवेरा करता है। यदि हम किसी भी प्रकार के विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं तो उनके एब्जॉर्बेशन का काम करता है, और जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, तो इन विटामिन्स की, विटामिन सी है, इन विटामिन्स की जो है वो क्षमता को बढ़ा देता है एलोवेरा। तो एलोवेरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण। कई लोग जॉइंट पेन से जूझते हैं और यदि वे लगातार 1 से 3 माह तक एलोवेरा का कंज्यूमशन करते हैं तो उनके जॉइंट्स पेन का रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन में कमी आना शुरू हो जाती है। ये जॉइंट पेन्स के में कमी जो है वो पॉलीसेक्राइड्स और कई पॉलीमर्स भी एलोवेरा में होते हैं, उनके प्रभाव से ही जॉइंट्स पेन रिड्यूस होता है। तो जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए भी हमको इसका कंज्यूमशन करना चाहिए 1 to 3 months तक। एलोवेरा का क्यूरेटिव इफेक्ट भी है, मतलब बीमारियों को ठीक करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उसका रोल है वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को दूर करने में। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो जाती है, जैसे कि अल्सर्स, उसके साथ में क्रॉन्स डिसीज़, सेलियक डिसीज़। तो ये कई कई लोगों को तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उसको दूर करने में एलोवेरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए जो है हमको एलोवेरा का कंज्यूमशन बहुत ही लाभदायक होता है। अगले उसकी बात करते हैं फायदे की, वो है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। ब्लड प्रेशर को कैसे रिड्यूस करता है? एलोवेरा के कंज्यूमशन से जो हमारे ब्लड में क्लम्प्स बन जाते हैं और डायबिटिक कंडीशन से ब्लड में शुगर की उपस्थिति, ग्लूकोज की उपस्थिति से हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है। और जब ब्लड गाढ़ा होगा तो धमनियों में उसको बहने के लिए अधिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यही फोर्स जो है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो यदि हमारा ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड प्रेशर हमारा निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड को जो एलोवेरा के कंज्यूमशन से ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो क्या करता है कि हमारे ब्लड की स्टिकीनेस, मतलब जो चिपचिपापन है, उसको दूर कर देता है, जिससे कि उसकी विस्कोसिटी कम होती है, मतलब श्यानता कम होती है, और वो पतला होने से धमनियों में आसानी से फ्लो हो सकता है। और ऐसी स्थिति से जब वो आसानी से फ्लो होगा तो हमारे हार्ट को कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में हमारा जो है बीपी की बीमारी, बीपी हमारा शरीर का वो कम होगा और हम नॉर्मल स्थिति में जीवन जी सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है एलोवेरा का उपयोग है, और इसलिए एलोवेरा कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा में 3 बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला एंटी बैक्टीरियल, दूसरा एंटीवायरल, और तीसरा एंटी फंगल। तो इस प्रकार से एंटीबायोटिक, इस प्रकार से आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जो इन्फेक्शन बॉडी में आ जाते हैं वायरस के थ्रू आ जाते हैं, तो एंटीवायरल एक्टिविटी इसकी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बार COVID-19 से एपिडेमिक्स में कितना हाहाकार मचा हुआ है, तो हम एक तो इम्यूनिटी बूस्टर होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और ये तीनों जो फंक्शंस हैं, ये तीनों फंक्शंस भी एलोवेरा के हमको तीनों कैरेक्टर जो हैं वो हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बरकरार करके रखते हैं और इन्फेक्शन से दूर रखते हैं। अब यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि एलोवेरा में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो एलोवेरा में 200 प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन क्या करता है? हमारे बीपी को रिड्यूस करता है, जो है ब्लड के स्टिकीनेस को कम करता है। पॉलीसेक्राइड्स हैं जो कि हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं और हमारे बॉडी को के ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं। और हमारे बॉडी का ब्लड जब सुपर ऑक्सीजनेट होता है तो वो बॉडी के हर कोने तक फ्लो होकर जाता है और ऑक्सीजन ले जाता है, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाता है, पोषक तत्व ले जाता है हमारे भोजन के, और हमको स्वस्थ रखता है। जो एसएमएनएन है, एसएमएनएन जो है वो क्या करता है? एसएमएनएन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है,
बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट एलोवेरा का है और वो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। ग्लाइको न्यूट्रेंट्स भी उसमें होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और सारे न्यूट्रेंट्स हमारे बॉडी में जब जाते हैं तो वो सारे बॉडी के जो हार्मोन सीक्रेशन हैं उसको रेगुलेट करते हैं, और इस प्रकार से एलोवेरा हमको कंज्यूम करने से अनेक फ़ायदे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एलोवेरा हमको लेना कितनी मात्रा में है। जैसा कि मैंने पिछले शॉर्ट्स में आपसे निवेदन किया था, तो एलोवेरा का कंज्यूमशन अगर हम बहुत कम मात्रा में करते हैं तो वो हमें फ़ायदा नहीं करेगा, इसलिए हमारा एक मिनिमम मापदंड होना चाहिए। साथ ही साथ यदि बहुत अधिक मात्रा में यूज़ कर लेते हैं तो जो हमारा हमको वो डायरिया यानी कि दस्त और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो निर्धारित मात्रा है उसमें लेना बहुत ज़रूरी है। उसका मापदंड सिंपल है कि आपके प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 100 mg 100 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। इस प्रकार से अगर किसी का 10 kg का वेट है तो वो 1 ग्राम, और अगर किसी का 100 kg का वेट है तो वो 10 ग्राम। इस प्रकार से 100 kg बॉडी वेट का के लिए 10 ग्राम, तो 10 ग्राम एलोवेरा जेल हमको यूज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भी अपने बॉडी के लिए जितना आपका बॉडी का वेट है उसमें 100 mg का मल्टीप्लाई कर दें तो उतने मिलीग्राम आ जाएंगे, और उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। तो इस प्रकार से आप 1000 से डिवाइड करने से आपको एलोवेरा के कंज्यूमशन की ग्राम में मात्रा आ जाएगी कितने ग्राम आपको कंज्यूम करना है। तो इस प्रकार से आपको 100 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से एलोवेरा कंज्यूम करना है। और मोटे मोटे तौर पर हम कहें तो एडल्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि 20 ml 20 ml से ज़्यादा एलोवेरा हमको कंज्यूम नहीं करना है। 20 ml एडल्ट पर्सन के लिए एलोवेरा ड्रिंकिंग स्थिति में जब पीते हैं तो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। एलोवेरा को लेना कैसे है? एलोवेरा को अगर एलोवेरा आपके पास है और फ्रेश है तो उसका उसकी पत्ती को काटिए, उसको छीलिए और अंदर का जो गूदा है उसको हल्के से 10 सेकंड ब्लेंड करिए, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, नहीं तो उसके पॉलीसेक्राइड्स नष्ट हो जाते हैं, और रॉ फॉर्म में उसको कंज्यूम कर लीजिए। यदि आपके घर में एलोवेरा आपने नहीं लगाया हुआ है या नहीं उपलब्ध है फ्रेश एलोवेरा, तो फिर हम जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 20 ml एलोवेरा जूस किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आयुर्वेदिक कंपनी का। प्लस मतलब जो है एलोवेरा को हम रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, दूसरा हम उसको स्मूदी में या फ्रूट जूस में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। वो क्या करता है, वो उसका इफ़ेक्ट और बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही दोनों तरीके हम आसान कर सकते हैं, किसी को पीने में अगर लगता है तो भी कर सकते हैं। एक और मैं एलोवेरा का महत्वपूर्ण आपको चलते चलते उपयोग बताता हूँ। किसी के मुंह में यदि पायरिया है और मुंह में मसूड़ों में प्रॉब्लम है, माउथ की कोई प्रॉब्लम है, तो वो 20 ml एलोवेरा जूस मुंह में डाल करके उसका स्विशिंग करता रहे 20 मिनट तक, और 20 मिनट तक स्विशिंग करने के बाद में उसको बाहर थूक दे, उसको निकलना नहीं है, तो मुंह के जितनी भी बीमारियां हैं दांतों और पायरिया वगैरह की वो सब रिमूव होगी। वो इसको हम बोलते हैं माउथ क्लिनजिंग, यानी कि एलोवेरा जूस से अगर आप माउथ क्लिनजिंग करते हैं तो इट इज़ द वेरी इफेक्टिव मेडिसिन टू रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ योर माउथ। तो ये मतलब जो है समस्त बीमारियों को मुंह की नष्ट कर देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण एलोवेरा का उपयोग है। तो जो मैंने आपको एलोवेरा की जानकारी दी, इस प्रकार से एलोवेरा क्या हो गया, एलोवेरा इज द टॉप मोस्ट नेचुरल मेडिसिन प्रेजेंट इन द नेचर। प्रकृति ने हमको सबसे महत्वपूर्ण दवाई के रूप में एलोवेरा को उपलब्ध कराया है, और इसलिए हमको हमेशा एलोवेरा का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए आप कैंसर पेशेंट इसका यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, और बीपी के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, तीनों को फ़ायदा करेगा। इवन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण एलोवेरा है ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रकृति का वरदान है वो एलोवेरा है। इसको आप समझें और आत्मसात करें और अपनी बीमारियों को दूर करें और लोगों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।